नमस्कार, मैं आर्यन आनंद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ पूरे ब्यौरे के साथ कि किस उम्मीदवार को कितने वोट आए हैं। कारण लोकसभा चुनाव था, तकरीबन एक महीने तक ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चला और आज यानी कि 23 मई को परिणाम आ गए। एक बार फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, लेकिन बिहार में जो हुआ वो शायद लोकतंत्र को एक अलग संदेश दे रहा है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ मजबूत महागठबंधन दिख रहा था एक जातीय समीकरण के साथ, वो समीकरण आज कहीं ना कहीं बिखर गया, क्योंकि एनडीए के सामने महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिली, वो भी नाक बचा दिया एक सीट को डॉक्टर जावेद ने कटिहार जीत कर। बात करें अररिया की, तो अररिया से प्रदीप सिंह ने 6,18,434 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। वहीं आरा से राजू यादव को हराया है आरके सिंह ने। आरके सिंह को 5,60,106 वोट मिले हैं। कहा जा रहा था कि आरा में एक बहुत बड़ा टक्कर देखने को मिलेगा, वो टक्कर मिला भी कहीं ना कहीं। एक बार राजू यादव ने वामपंथियों को जगाने की कोशिश की और मजबूती से CPIML को पेश किया। बात करें उजियारपुर की, तो उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय ने हरा दिया। नित्यानंद राय को 5,43,000 वोट मिले हैं। नित्यानंद राय ने उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जहां दो जगह से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, उनको वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में जो जीते हैं कैंडिडेट, उन्हें 4,13,370 वोट मिला है और यहां से सुशील सिंह ने अपनी जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं, कटिहार की ओर चलते हैं, तो कटिहार से तारिक अनवर को हार नसीब हुई है और जिसने जीत दर्ज किया है वो है दलाल चंद गोस्वामी। दलाल चंद गोस्वामी को 5,58,984 वोट मिले हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं काराकट की, तो काराकट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं और यहां से महाबली सिंह ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि महाबली सिंह के लिए अंतिम दिन नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान और लवली आनंद प्रचार करने गई थी। लवली आनंद वैसे तो कांग्रेस के मंच पे दिखती थी, लेकिन ऐन समय पर वो पहुंची काराकट और काराकट में उन्होंने जनता से महाबली सिंह की, माफ कीजिएगा, वहां जनता से उन्होंने महाबली सिंह के लिए वोट मांगा था। महाबली सिंह को 3,96,282 वोट मिले हैं। वहीं किशनगंज से जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें 3,67,017 वोट मिले हैं। और किशनगंज से हम बात कर रहे थे जो एक सीट की, वो बड़ा ही टक्कर वाला सीट था और यहां से मोहम्मद जावेद ने महागठबंधन के लिए खाता खोला है। आगे हम बढ़ते हैं खगड़िया के लिए, तो खगड़िया से मुकेश सहनी हार गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी ने पूरे बिहार को माछ भात खिलाया था, वो माछ भात काम नहीं आया और मुकेश सहनी हार गए हैं महबूब अली केसर के सामने। महबूब अली केसर को 4,99,065 वोट मिले हैं। कहा जा रहा था कि महबूब अली केसर अपने क्षेत्र में नहीं घूमे हैं और जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से भागे भागे किसान पहुंच रहे थे खगड़िया में मुकेश सहनी, उससे एक बात तो तय है कि मोदी लहर में मुकेश सहनी का जलवा नहीं चल पाया और उनकी पार्टी जितनी भी सीटें उन्हें महागठबंधन में मिली थी सब पे हार गए। बात करें गया की, तो गया में 4,65,748 वोट मिले हैं विजय मांझी को और यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हार गए हैं। जीतन राम मांझी अपने तीन, जो उन्हें तीन सीटें मिली थी, उन सारे तीन सीटों पर वो हार गए हैं और कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में लग रहा है या फिर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मांझी पलटी मारते दिखेंगे। बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज से आलोक सुमन ने 5,62,424 वोट से जीत दर्ज की है और उन्होंने जिन्हें हराया है वो है RJD के कैंडिडेट सुरेंद्र राम। आगे बढ़ते हैं जमुई, जब वोटिंग हुआ था यहाँ तो चिराग पासवान उदास लग रहे थे और कहा जा रहा था कि आने वाले समय में चिराग पासवान हाजीपुर से नामांकन करेंगे, क्योंकि हाजीपुर पे कहा जा रहा था कि पशुपतिनाथ पारस को ज़बरदस्ती लोजपा ये सीट दी है, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतते आ रहे थे
एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान अब जाएंगे राज्यसभा, इसीलिए पशुपतिनाथ पारस को ये दिया गया था। और जब जमुई का बात करें तो जमुई में चिराग पासवान को 5,27,860 वोट मिले हैं, वहीं भूदेव चौधरी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 3,33,151 वोट लाया है चंदेश्वर चंद्रवंशी ने, और जिन्हें उन्होंने हराया है वो हैं सुरेंद्र यादव। जेडीयू को एक बड़ी बढ़त मिली है, जेडीयू लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, 2014 में जेडीयू अकेले चुनाव में उतरी थी और 40 में से सिर्फ 2 सीटों पर जेडीयू जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को किशनगंज में जावेद, डॉक्टर जावेद ने मात दिया और एक सीट पिछड़ गई जेडीयू बिहार में। वहीं भाजपा आज इसके खाते में 17 सीटें थी, वो 17 सीट भाजपा जीतने में कामयाब रही। वहीं पिछले बार 2014 की तरह इस बार भी लोजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% का है। बात करें झंझारपुर की तो झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जीत गए हैं और रामप्रीत मंडल को 6,15,197 वोट मिला है। जिन्हें उन्होंने हराया है वो है गुलाब राय। बात करें दरभंगा की तो दरभंगा में बताया जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का पोजीशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन टांग दिया है। जी हाँ, गोपाल जी ठाकुर ने 5,85,013 वोटों लाए और अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा दिया है। कहे तो लालू यादव का एक नाक दरभंगा से लड़ रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, उन्हें हरा दिया है गोपाल जी ठाकुर ने। बढ़ते हैं आगे नवादा, नवादा से विभा यादव को टिकट दिया गया था, राव बल्लभ यादव, राज बल्लभ यादव की पत्नी को, और यहां से भी जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने जीत दर्ज की है और पहली बार कम उम्र में चंदन कुमार सांसद बनेंगे। चंदन कुमार ने 4,91,956 वोट लाया है। सूरजभान सिंह के ये भाई हैं और जिस तरीके से नवादा चर्चा में था, वीना सिंह यहां से सांसद थी, उनका लोकेशन चेंज करने की बात की गई थी जिसके बाद वो रूठ गई और चुनाव में भी नहीं उतरी। आगे बढ़ते हैं नालंदा की तो ये नीतीश कुमार का घर है और हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार यहाँ से, उनकी पार्टी जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार बेशक जीत रहे हैं बिना किसी रुकावट के। कौशलेंद्र यादव को 4,68,188 वोट मिला है। बात करें पटना साहिब की तो खामोश हो गए हैं पटना साहिब में। शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो गए थे, दो बार यहां से जीतकर सांसद बने थे बीजेपी के कोटे पर, 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की थी और 2014 में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला, कहा जा रहा था कि एक मजबूत टक्कर देंगे वो रविशंकर प्रसाद को, लेकिन रविशंकर प्रसाद को 6,49,056 वोट मिली। बात करें सारण की तो चंद्रिका राय, जो कि समधी हैं लालू प्रसाद यादव के और ससुर हैं तेज प्रताप यादव के, एक कहे तो ये भी नाक की लड़ाई थी लालू प्रसाद यादव की, यहाँ भी उन्हें हार मिली है और जिन्होंने उन्हें हराया है वो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने 2014 में यहाँ से राबड़ी देवी को हराया था। बात करें राजीव प्रताप रूढ़ी के वोट की तो राजीव प्रताप रूढ़ी को 4,96,952 वोट मिले हैं। वहीं पाटलिपुत्रा एक कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली थी। मीसा भारती लगातार जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अंतिम क्षण में रामकृपाल यादव से वो हार गई। इस सीट पर लालू प्रसाद यादव भी हार चुके हैं और मीसा भारती की इस सीट से दूसरी बार हार है। यहाँ पे 4,97,429 वोट मिला है रामकृपाल यादव को। कहे तो रामकृपाल यादव के पसीने छूट गए होंगे जिस तरीके से मीसा भारती ने टक्कर दिया है इस सीट पर। महाराजगंज से रणधीर सिंह हार गए, ये भी लालू प्रसाद यादव के लिए नाक की लड़ाई थी। प्रभुनाथ सिंह यहाँ से सांसद थे और कहीं ना कहीं जो रिश्ता था लालू प्रसाद यादव और प्रभुनाथ सिंह के बीच में, वो इस सीट ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की नाक काट दी है। रणधीर सिंह हार गए हैं जनार्दन सिंह से और जनार्दन सिंह को 5,43,523 वोट मिला है। बात करें मुंगेर से तो मुंगेर से ताल ठोका था आनंद सिंह ने, जिसके बाद कह रहे थे कि जमानत जब्त करा देंगे ललन सिंह की, और
बाद में अनंत सिंह के इस ताल को महागठबंधन ने कहीं ना कहीं नामंजूर किया, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया। इस बार हार गए हैं अनंत सिंह, जमानत जब्त की बात कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह ने कहीं ना कहीं 483,061 वोट लाकर नीलम देवी को पटक दिया है। माने कि अगर ये लड़ाई अनंत सिंह लड़ते, अनंत सिंह उम्मीदवार होते, तो ललन सिंह शायद हार जाते। आगे बढ़ते हैं हाजीपुर के लिए, तो हाजीपुर में शिवचंदर राम हार गए हैं। शिवचंदर राम को पशुपतिनाथ पारस ने हराया है। पशुपतिनाथ पारस को 537,794 वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं वैशाली में, तो वैशाली लालू प्रसाद यादव की नाक की लड़ाई थी, क्योंकि उनके सबसे पुराने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को वीना देवी ने हरा दिया है और वीना देवी को कुल 566,707 वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं पश्चिम चंपारण में, तो पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल को 630,706 वोट मिले हैं, और इस पे उन्होंने जिन्हें हराया है वो हैं ब्रजेश कुशवाहा। एक जातीय समीकरण था कुशवाहा समाज का, लेकिन जिस तरीके से कुशवाहा आप खुद दो सीट पे हार गए, वैसे में ब्रजेश कुशवाहा संजय जायसवाल के सामने हार गए। आगे बढ़ते हैं पूर्णिया की, तो पूर्णिया में हमने बताया था कि उदय सिंह जीतेंगे, लेकिन उदय सिंह को हरा दिया है संतोष कुशवाहा ने। संतोष कुशवाहा को कुल 632,435 वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण के लिए, तो ये सीट चर्चा में था, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे थे इस सीट पे। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये सीट माधव आनंद को 9 करोड़ में बेचा है, लेकिन जब ये सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी तो आकाश प्रसाद सिंह को यहाँ उतारा गया। आकाश प्रसाद सिंह अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, एक युवा दे रहे थे टक्कर इस सीट पर एक दिग्गज को, यानी कि राधा मोहन सिंह को, लेकिन राधा मोहन सिंह ने अपना कद दिखाते हुए यहाँ पर 573,559 वोट लाया और आकाश सिंह को हरा दिया। आगे बढ़े बक्सर की, तो जगदानंद सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के टिकट पर, वहीं इस सीट को रिटेन किया था अश्विनी कुमार चौबे ने। शुरू में जगदानंद सिंह कुछ वोटों से आगे चल रहे थे और कहा जा रहा था कि एक जातीय समीकरण के तहत इकलौते जो बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट थे अश्विनी कुमार चौबे, उन्हें वो हरा देंगे, लेकिन अंततः अश्विनी कुमार चौबे को 468,690 वोट मिला, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से बक्सर सीट को रिटेन किया और जीत दर्ज की। बता दें कि अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनका कद वाकई में बड़ा है, और यही कारण है कि जहां एक तरफ सवर्ण के टिकटों को नकारा गया है एनडीए में, वहीं इकलौता ब्राह्मण चेहरा को इस टिकट पर दिया गया। और लगातार वहां की जनता कह रही थी कि ये बाहर के कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कामों ने एक बार फिर से बक्सर में इनका सिक्का चलाया है। आगे बढ़ते हैं बांका के लिए, तो जयप्रकाश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे और पुतुल देवी निर्दलीय थी। कहा जा रहा था कि पुतुल देवी जीत सकती हैं, लेकिन जेडीयू के गिरधारी यादव के सामने वो हार गए और गिरधारी यादव को 476,991 वोट मिला है। बेगूसराय, कहा जा रहा था कि गिरिराज सिंह नाराज हैं बेगूसराय के लिए। एक तरफ जहां हिंदुत्व का नारा देते हैं और फायर ब्रांड है गिरिराज सिंह बीजेपी के, वहीं वामपंथ और कहे तो एक नेशनल हीरो जिन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है वो थे, जो दूसरे नंबर पे आए हैं कन्हैया कुमार। खैर, कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पे रह गए और तकरीबन 400,000 वोट से वो हार गए। गिरिराज सिंह को 687,577 वोट मिला है। बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर से अजय मंडल को 594,151 वोट मिला है और उन्होंने बुलो मंडल को हरा दिया है। मधुबनी से वीआईपी से थे बद्री पूर्वे, और बद्री पूर्वे को जिन्होंने हराया है वो हैं अशोक यादव, यानी कि हुकुम देव नारायण के बेटे। हुकुम देव नारायण राजनीति से संन्यास ले लिए हैं, अब शायद वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाए बीजेपी के। यहाँ तक कि अशोक यादव को 595,843 वोट मिला है। बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा के बेस्ट सांसद का अवार्ड जीते पप्पू यादव, तीसरे नंबर पर रह गए। पप्पू यादव को तकरीबन 40,000 वोट मिला, वहीं पिछली बार जिनको उन्होंने हराया था शरद यादव, उन्हें 93,000 वोट मिला है। खैर, शरद यादव दूसरे नंबर पर रह गए और इस बार जिन्होंने जीत दर्ज की है मधेपुरा से वो हैं दिनेश चंद
यादव, दिनेश चंद्र यादव को 6,17,017 वोट मिला है। आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर की, तो ये भी वीआईपी के खाते में सीट गई थी। राजभूषण निषाद यहाँ से चुनाव लड़े थे और अजय निषाद उनके खिलाफ थे। अजय निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया था और अजय निषाद ने राजभूषण निषाद को हरा दिया। राजभूषण निषाद को 6,00,000 अजय निषाद को 6,61,318 वोट मिला है और वीआईपी इस सीट पे भी पिछड़ गई है। आगे बात करें वाल्मीकि नगर की, तो वाल्मीकि नगर के कैंडिडेट जो जीते हैं उन्हें 6,26,060 वोट मिला है और यहाँ से वैद्यनाथ महतो ने जीत दर्ज की है। आगे बात करें शिवहर की, तो शिवहर फैजल अली आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे और रमा देवी उनके खिलाफ थी। यहाँ बीजेपी की जीत हुई है और रमा देवी को 6,64,007 वोट मिला है। आगे बढ़ते हैं समस्तीपुर की ओर, तो समस्तीपुर में अशोक राम कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कहा जा रहा था कि सीनियर लीडर हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जमीन शायद यहाँ भी ढीली पड़ गई और रामचंद्र पासवान यहाँ पे 5,61,460 वोट लाकर विजयी हुए। सासाराम मीरा कुमार यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, इनके पिता सांसद रहे हैं, इनके पिता और मीरा कुमार का अगर संसदीय काल देखा जाए तो 46 साल का रहा है सासाराम में, लेकिन यहाँ से उन्हें छेदी पासवान ने हराया है। छेदी पासवान को 4,94,800 वोट मिला है। छेदी पासवान ने बीजेपी की नाक बचाई है और जिस तरीके से वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे उससे एक बात तो तय लग रहा था कि यहाँ छेदी पासवान हार सकते हैं, लेकिन मोदी लहर चला है और मीरा कुमार यहाँ से हार गई हैं। आगे बढ़ते हैं सीतामढ़ी के लिए, तो सीतामढ़ी में कहा जा रहा था कि एक टक्कर देखने को मिलेगा अनुज राम और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके का बहुमत आया है उससे आपको पता ही होगा कि अनुज राम यहाँ से हार गए और सुशील कुमार सिंह को 5,65,533 वोट मिला है। आगे बढ़ते हैं सिवान के लिए, तो सिवान से हिना साहिब आरजेडी के लिए हैट्रिक लगा चुकी हैं। ये जीत की हैट्रिक नहीं बल्कि हार की हैट्रिक है और कहीं ना कहीं शाबुद्दीन का जो घर है वो एक उनके हाथ से छूटता जा रहा है। यहां से कविता सिंह पहली बार सांसद बनी है, कविता सिंह पहली बार यहां एमएलए बनी थी उपचुनाव में जीतकर और अब उन्होंने बीजेपी जेडीयू के बैनर तले बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हुए जीत दर्ज की है और उन्हें 4,46,293 वोट मिला है। बात करें लास्ट बट नॉट द लिस्ट सुपौल की, पप्पू यादव दंपंती अब सांसद नहीं रहे हैं और यहां से उनकी पत्नी रंजीत रंजन हार गई हैं दिलेश्वर कामत के खिलाफ। दिलेश्वर कामत को यहाँ पे 5,96,807 सीट मिली है। काफ़ी विवाद में ये सीट था क्योंकि जिस तरीके से रो रहे थे गा रहे थे पप्पू यादव महागठबंधन के खिलाफ जंग छेड़ दिया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि अगर नॉमिनेशन अपना वापस नहीं लेते हैं मधेपुरा से पप्पू यादव तो कांग्रेस रंजीता रंजन के अगेंस्ट प्रचार करेगी और कहीं ना कहीं इसका नतीजा देखने को मिल रहा है, सुपौल से रंजीत रंजन हार गई हैं। तकरीबन 1 महीने तक चला है लोकसभा का चुनाव, 11 अप्रैल से ये शुरू हुआ था और आज इसका परिणाम आ गया है। परिणाम के बाद एक बात तो तय है कि जिस तरीके से एनडीए ने पूरे महागठबंधन को बिहार में पछाड़ा है और सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है महागठबंधन से, उससे आने वाले समय में जो कि 2020 में विधानसभा का चुनाव है उसमें जर हिल रहा है महागठबंधन का। बहुत सारे घटक दल पलटी मारेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी जितनी सीटें उन्हें दी गई थी एक भी सीट नहीं मिला उन्हें, खुद भी हार गए गया से। वहीं उपेंद्र कुशवाहा दो दो जगह से चुनाव में उतरे थे, एक उजियारपुर और दूसरा जहां से वो लगातार जीतते आ रहे थे काराकट, वहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 3 सीटें दी गई थी वीआईपी को और 3 सीट पर वो हार गए हैं। यही है आज जो चुनावी परिणाम आया है, उनमें जो 39 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन ने जीती है उन हर एक उम्मीदवारों के आए हुए वोट। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा, जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।